दोस्तों आपका मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेश वीडियो में मेरा नाम है नीरव एंड ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोबोटिक सर्जरी के बारे में। तो आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। सर्जरी में रोबोट क्या है एंड क्या ये रोबोटिक सर्जरी इतनी इफेक्टिव है, ये दो टॉपिक पे वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोबोट के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे सारी चीजें रोबोट खुद से करता है, रोबोट के अंदर प्रोग्रामिंग किया जाता है और फिर वो सारी चीजें खुद से करता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, रोबोट खुद से कोई भी एक्शन नहीं लेता है। ये जो रोबोट है उसके दो पार्ट्स है, एक तो रोबोट जिसके आर्म्स होते हैं और वही आर्म्स से वो सर्जरी होती है। उसके अलावा एक कंसोल होता है जहां पे डॉक्टर को बिठाया जाता है एंड वहां से डॉक्टर वो रोबोट को ऑपरेट करता है। यहां से डॉक्टर जो उसको कमांड देगा वहां पे रोबोट में वही चीज होगी। तो अगर डॉक्टर से यहां गलती होती है वहां रोबोट से भी वही गलती होगी। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि ये फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोसेस है तो ऐसा नहीं है। यहां पे एक रोबोट है जिसे इंस्ट्रक्शन दी जाती है, वही चीज वो करता है। तो दोस्तों ये बात हो गई रोबोट के बारे में। अब बात करते हैं क्या ये रोबोटिक सर्जरी इतनी ज्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों यहां पर मैं कहना चाहता हूं मैं कोई भी डॉक्टर नहीं हूं लेकिन मैं बायोमेडिकल इंजीनियर हूं। मैं रोबोटिक सर्जरी में काफी बार खड़ा भी रहा हूं, मैंने देखा भी है और वही चीज लैप्रोस्कोपी में भी होती है। तो अब यहां पर क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या ये सर्जरी इतनी ज्यादा इफेक्टिव है। तो सबसे पहले कुछ प्रोस के बारे में बात करते हैं। अब यहां पर जब रोबोटिक सर्जरी होती है तो वहां पर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत कम हो जाता है, लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन उसके पीछे का मेन रीजन ये है कि जब नॉर्मल सर्जरी होती है तो डॉक्टर के साथ में एटलीस्ट दो तीन असिस्टेंट नर्स वहां पर रहते हैं, वो भी स्क्रब रहते हैं, वहां पे भी इन्फेक्शन के चांसेस कम ही होते हैं लेकिन होते हैं। लेकिन जब रोबोटिक सर्जरी होती है तो पेशेंट के सराउंडिंग एरिया में इतने ज्यादा लोग नहीं होते हैं, डॉक्टर भी दूर से ऑपरेट कर रहा है, तो यहाँ पे फिजिकल कॉन्टैक्ट जो है वो नहीं है, रोबोट से कभी इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होता है। तो यहां पे एक अगर इन्फेक्शन कंट्रोल के एरिया से देखूं तो यहां पे एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उसके बाद आता है एक्यूरेसी। अब यहां पे एक्यूरेसी भी आपको ज्यादा मिलेगा क्योंकि वहां पे रोबोट से सारी चीज हो रही है। अगर आप मैन्युअली कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि एक चीज को आपको करने के लिए दो तीन एफर्ट्स लगाने पड़े, लेकिन वहां पर रोबोट जो है वो एक ही एफर्ट में वो काम जो है वो कर देगा। यहां पे एक्यूरेसी भी ज्यादा मिलती है। लेकिन ये दो एडवांटेजेस के अलावा मुझे नहीं लगता है कि और कोई एडवांटेजेस होगी। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। अब अगर मैं उसे कॉस्ट के साइड से देखूं तो ये जो सर्जरी है उसकी कॉस्ट बहुत बहुत ज्यादा है। उसके काफी सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन है इसकी कॉस्ट। ये जो मशीन है वो अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ का आता है। अब आप सोचिए लिनियाक एक्सेलेटर जिससे कैंसर ट्रीटमेंट दी जाती है वो मशीन की कॉस्ट समवेयर अराउंड 18-20 करोड़ होती है, जो बहुत बड़ा होता है। यहां पर ये मशीन की कॉस्ट 20 करोड़ है। तो आप सोचिए वहां पर पेशेंट्स भी ज्यादा है, प्राइस थोड़ी कम है, लेकिन यहाँ पे इतने पेशेंट्स भी नहीं है और मशीन की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई ये मशीन में इन्वेस्ट करता है तो बट ऑब्वियसली वो पैसा तो एक्सपेक्ट करेगा, तो यहाँ पे कॉस्ट यहाँ पे इसलिए बढ़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों जिसके जो कंज्यूमेबल आइटम्स है वो बहुत ही बहुत कॉस्टली है। एंड मैं एक सिंपल एग्जाम्पल समझाऊंगा कि लेप्रोस्कोपी हो रही है और वही सर्जरी जो है वो रोबोटिक से हो रही है। तो लेप्रोस्कोपी में क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उसे स्टराइल करने के बाद फिर से यूज किया जा सकता है, तो वहां पे उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जब रोबोटिक की बात आती है तो वहां पे जो कंज्यूमेबल आइटम्स यूज होती है वो एक्चुअली 5 या 6 सर्जरी के बाद तो यूज ही नहीं होगी। जब आप उसको रोबोट पे लगाओगे वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो उस केस में तो उसको बदलना ही पड़ेगा, तो वहां पे भी कॉस्ट बढ़ जाती है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक्यूरेसी मिलती है, इन्फेक्शन कंट्रोल पे एक अच्छा कमांड मिल जाता है, लेकिन उसकी कॉस्ट ये सारे रीजन से बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है तो कौन सी सर्जरी चूज करनी चाहिए। अगर मान लीजिए डॉक्टर आपको दो चॉइस दे रहे हैं कि आप ये सर्जरी लैप्रोस्कोपी से भी करवा सकते हो, रोबोटिक से भी करवा सकते हो, तो अब आपके पास चॉइस है तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बहुत ही अच्छा है, आप अफोर्ड कर सकते हो रोबोटिक सर्जरी को, तो आप मैं यही बताऊंगा, यही आपको एडवाइस दूंगा कि आप रोबोटिक सर्जरी ही चूज कीजिए। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं मशीन की साइड से बात कर रहा हूं कि अगर आप ये मशीन यूज करोगे या ये मशीन यूज करोगे तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप कोई मिडिल क्लास फैमिली से हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लेप्रोस्कोपी ही करवाइए, क्योंकि लेप्रोस्कोपी में भी इन्फेक्शन के रिस्क इतने ज्यादा नहीं होते हैं। यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अगर एक नॉर्मल सर्जरी भी हो रही है एक हॉस्पिटल के अंदर तो सर्जरी से पहले सारी चीजें काउंट होती है, सारी चीजें, उसके बाद भी सारी चीजें काउंट होती है कि जो हमने लाया था वही चीज हमने वापस ले ली, तो पेशेंट के अंदर कुछ छूट तो नहीं गया, वो सारी चीज पता चल जाती है।
तो अगर आपको ऐसा लगता है कि रोबोटिक सर्जरी ही एक ऐसी सर्जरी जिससे पेशेंट को ज्यादा अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। लैप्रोस्कोपी भी इतनी ज्यादा इफेक्टिव है। तो अगर आपके पास चॉइस है तो डिपेंड करता है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि लैप्रोस्कोपी ही करवाए, क्योंकि उसमें कॉस्ट भी बच जाती है और अच्छी ट्रीटमेंट भी मिलती है। लैप्रोस्कोपी एक सक्सेसफुल मेथड है, लेकिन अगेन आपके पास पैसा है तो आप रोबोटिक सर्जरी करवा सकते हो। तो दोस्तों बस ये वीडियो में इतना ही। आशा रखता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वो भी सीख सके कि रोबोटिक सर्जरी में रोबोट क्या है, रोबोटिक सर्जरी के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। दोस्तों अभी शेयर कीजिए वीडियो को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, ना जाने किसको ये वीडियो काम आ जाए। तो दोस्तों अभी शेयर कीजिए वीडियो को, ये वीडियो को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड करने के बाद शेयर कीजिए। अगर ऐसे वीडियो देखना चाहते हो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ ही दबाए बेल आइकन को, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, वहां पे आप कमेंट डाल सकते हो, मैं वहां पे आपसे बात करूंगा। तो ऐसे ही फ्रेश कंटेंट के साथ जल्दी से ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।